एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता एंड आज हम जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं, क्या प्रीव्यू है लिव इन रिलेशनशिप का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन के वेरियस अदर लॉज प्रोटेक्ट करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को, एंड व्हाट आर द केसेस, रीसेंट केसेस विद इंपॉर्टेंस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन आते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। तो सेम सेक्स पीपल एंड ऑल्सो द मैन एंड वुमेन हु आर नॉट मैरिड, ये सब लिव इन रिलेशनशिप में आ सकते हैं। नाउ बेसिकली देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप इन सिंपल टर्म्स कहा जा सकता है कि जो दोनों लोग हैं, लड़का और लड़की, फ्रीडमली एक दूसरे के साथ एक हाउस होल्ड में रहते हैं विदाउट इवन गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। सो वो अपना इंडिविजुअल फ्रीडम एन्जॉय कर सकते हैं। नाउ ओनली वन थिंग इन्वॉल्व्स इन दिस इज कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। अब कोहैबिटेशन क्या होता है, दैट इज़ फिजिकल रिलेशनशिप और सेक्स विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स वन अनदर। ये है फिजिकल रिलेशनशिप, कोहैबिटेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे कोई भी बर्डन या ऑब्लिगेशन एक दूसरे पे नहीं आता जो एक मैरिड कपल के बीच में होता है। सो इन सिंपल टर्म्स लिव इन रिलेशनशिप को कहा जाए तो ये इस तरीके कह रहे हैं एक ही घर में विदाउट गेटिंग मैरिड बट दे आर कोहैबिटिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रीजंस व्हाई कपल वांट टू गो फॉर लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। तो अगर इसका हम देखें तो सबसे पहला कॉज ये हो सकता है कि पार्टनर्स को देखना है कंपैटिबिलिटी इन द मोर प्रैक्टिकल वे, कि सामने वाला कितना कंपैटिबल है उनके नज़रिए से, या फिर वो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो उनकी ताकि वो उससे पहले शादी नहीं करें, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाए, सिक्योरिटी आ जाए, उसके बाद वो शादी करें। नाउ थर्ड रीज़न कैन बी लीगल कॉन्स्टेंस दैट सेम सेक्स मैरिज कैन नॉट गेट मैरिड इन इंडिया इवन दो सेक्शन 377 हैज़ बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट स्टिल सेम सेक्स मैरिज का कोई प्रोविजन ही नहीं है इंडिया में। तो अगर कोई सेम सेक्स पीपल एक साथ रहना चाहें एंड दे वॉन्टेड टू कोहैबिट, तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनको अपने प्राइवेट मैटर्स या उनके पर्सनल लाइफ के बारे में किसी और लोगों से डिसीजन लेना पसंद नहीं होता। वो नहीं चाहते कि उनका जो फ्यूचर या फिर जो पार्टनर है वो डिपेंडेंट हो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन से। वो अपने ही तरीके से ये राइट चूज करना चाहते हैं। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट लीगली कंपेल्ड देम टू बी इन अ रिलेशनशिप। मतलब इसमें कोई लीगल बर्डन नहीं आ जाता कि उनको रहना है या नहीं रहना है। इजीली वो इसमें आ सकते हैं एंड ईजिली वो डिसॉल्व भी हो सकता है। इसमें कोई भी लीगल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। सो दीज आर द रीज़न विच माइट बी अमॉन्ग्स द कपल टू गेट इन टू लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। आगे जाते हैं, लॉस दैट आर गिवन फॉर लिव इन रिलेशनशिप करना है तो लॉ ऑन लिव इन रिलेशनशिप, देर इज नो स्टैट्यूट डायरेक्टली विद लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया। कोई भी ऐसा स्टैट्यूट डायरेक्टली नहीं बनाया गया है। अब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 क्या बोलता है कि जब अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, आउट ऑफ वर्ल्ड एंड वर्ल्डेबल मैरिजेस एंड एस्टैब्लिशेस देयर सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अगर यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 बोलता है कि अगर कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है वर्ल्ड एंड वर्ल्डेबल मैरिजेस एंड एस्टैब्लिशेस देयर सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप, अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा पैदा होता है इन लिव इन रिलेशनशिप, तो वो चाइल्ड विल बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड एंड विल हैव अ लेजिटिमेसी और प्रॉपर्टी राइट्स और सक्सेशन राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। ओके, नाउ व्हाट डज सेक्शन 11 हैज टू से अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है टू द अग्रीव पार्टी फ्रॉम एनी ऑफ द एट्रोसिटीज फेस्ड बाय वुमेन लिविंग इन रिलेशनशिप
इन द नेचर ऑफ मैरिज, यानी मैरिज की तरह अगर कोई भी रिलेशनशिप में वुमेन रह रही है तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा वुमेन को. ठीक है, दिस एक्ट हैज बीन वाइडली हेल्ड एज अ फर्स्ट लीगल एक्ट टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मैरिटल अडल्ट हेटरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स. ओके, अब यहाँ एक्ट में अग्री पर्सन क्या डिफाइन किया है, अग्री पर्सन सेक्शन 2A बोलता है कि वो लोग कवर होते हैं इसमें जिसमें ओनली वुमेन हु इज और हु हैज बीन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट एंड हु एलिजिस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वॉयलेंस बाय द रेस्पोंडेंट. यहाँ पे मैरिज की बात ही नहीं की गई है कि शादी हुई रहे या नहीं शादी हुई रहे. यहाँ पे अगर वुमेन कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है हस्बैंड के साथ या मैन के साथ तो अग्री पर्सन उसको कहा जाएगा अगर उसमें कोई भी डोमेस्टिक वॉयलेंस हुआ है तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप का जो क्राइटेरिया है वो भी इंक्लूड होता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, डोमेस्टिक वॉयलेंस सेक्शन 2F बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में. एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड व्हेन दे आर रिलेटेड बाय कॉन्जेगुरिटी मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज. कोई ऐसा इंसान जो साथ में रहे हैं, दो पर्सन जो साथ में रहे हैं एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम या फिर रह चुके हैं एक घर में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट मैरिज बट उनका रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ और एज अ नेचर ऑफ मैरिज अडॉप्शन और आर द फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली. नाउ हैविंग सेड दैट, द आइडिया ऑफ रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज, द एक्ट सीम्स टू हैव वाइडन द स्कोप ऑफ लीगली रिकग्नाइज डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइडन किया गया है. सिर्फ और सिर्फ वाइफ को राइट नहीं दिया गया है, एनी वुमेन जो दिखा रहे हैं और रिसाइडिंग इन अ वे इन अ नेचर ऑफ मैरिज वो भी डोमेस्टिक वॉयलेंस के प्रिव्यू में आ जाते हैं. अब इंडियन पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया जस्टिस मारी मैथ कमेटी जो रिपोर्ट देता है कि इफ अ मैन एंड अ वुमेन आर लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर अ रीजनेबल लॉन्ग पीरियड द मैन शैल हैव टू बी डीम्ड टू बी मैरिड द वुमेन. उसको ऐसा दिखेगा कि हाँ मैन ने शादी की है वुमेन से. उसके बाद द मैरी मैथ कमेटी हैज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द वर्ड वाइफ अंडर सीआरपीसी बी अमेंडेड टू इंक्लूड अ वुमेन लिविंग विद अ मैन लाइक हिज वाइफ सो दैट इवन अ वुमेन हैविंग रिलेशनशिप विद अ मैन वुड ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू एरिबिन एलिमनी. इसमें वाइफ को डिफाइन किया गया है तो वाइफ के डेफिनेशन में ऐसी वुमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए जो वुमेन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो भी एंटाइटल है एलिमनी और मेंटेनेंस के. Now after this we'll discuss certain case law, certain recent cases जिसमें let down किया है about live-in relationship and a child born out of live-in relationship. अब बात करेंगे हम कुछ important case laws. ये case laws क्या कहते हैं live-in relationship के बारे में. अब सबसे पहला case law है अभिजीत बिकासेट ऑटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स. ये हुआ था डिसाइड 2009 में. इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये जरूरी नहीं है कि वुमेन जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी उस आदमी के साथ शादीशुदा ही हो. यानी कि अगर वुमेन जो मैरिड नहीं है बट वो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उस आदमी के साथ देन शी मे ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. तो यहाँ पे सीआरपीसी में 125 को सेक्शन को थोड़ा वाइडन किया है और कहा गया है कि जरूरी नहीं है जो वुमेन मैरिड हो हस्बैंड से वही क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस बट अदर देन दैट जो कि है लिव इन रिलेशनशिप उसमें भी वुमेन अनमैरिड वुमेन हु इज लिविंग विद अ मैन इन अ लिविंग रिलेशनशिप कैन ऑल्सो क्लेम फॉर मेंटेनेंस. इसके बाद है तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गातिया एंड अदर्स. इसमें जो केस डिसाइड हुआ था 2008 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैन एंड वुमेन हु आर इन्वॉल्व इन लिविंग रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल बी ट्रीटेड एज अ मैरिड कपल और जो बच्चा उनमें पैदा होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही कहा जाएगा. उसको सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करने का हक दिया गया है. ठीक है, उसके बाद आता है खुशबू एंड कालीमल एंड अनदर्स जिसका साइटेशन है 2010 5 सुप्रीम कोर्ट केस 600. अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर मैन एंड अ वुमेन लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज
कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एन ऑफेंस. वो कोई ऑफेंस नहीं है अगर आदमी और औरत साथ में रह रहे हैं एज ए लिव इन रिलेशनशिप. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड दैट देयर वर नो लॉ प्रोहिबिटिंग लिव इन रिलेशनशिप और प्री मैरिटल सेक्स. वहां पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो ये कहता है कि एक लड़का लड़की साथ में नहीं रह सकते हैं इन अ रिलेशनशिप और डू नॉट और दे कैन नॉट कोहैबिट बिफोर मैरिज. अब यहाँ पे उन्होंने साइड किया है कि लिविंग टुगेदर इज अ राइट टू लिव. द सुप्रीम कोर्ट सेड अपेरेंटली रिफरिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ ये है. आर्टिकल 21 कहता है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज अ फंडामेंटल राइट. सो दिस केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मठा एंड अनदर वर्सेस विजया रिंगनाथन. इसमें ये हेल्ड हुआ था दैट द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट एंटाइटल टू क्लेम इनहेरिटेंस इन हिंदू एंसेस्ट्रल कोपासनरी प्रॉपर्टी इन एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एंड कैन ओनली क्लेम द शेयर ऑफ द पेरेंट्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. यानी अगर इस केस में अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू एंसेस्ट्रल कोपासनरी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता है बल्कि वो सिर्फ पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे ही क्लेम कर सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने आज डिस्कस किया लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है, क्या लॉज प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप को, 125 सेक्शन को बाइडेन किया गया है, और अगर चाइल्ड बॉर्न होता है फ्रॉम दिस लिविंग रिलेशनशिप तो वो क्या लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट रीसेंट केस लॉस रिगार्डिंग लिव इन रिलेशनशिप. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. थैंक यू.